Hello dear students, from today I am going to start our new chapter that is based on linearly dependent, independent and linear combination of vectors. अब देखो जो ये vectors हैं, vector होते क्या है? Vector अपने पास कोई भी variable quantity हो तो हम उसे vector कहते हैं और scalar जो constant हो. तो जो अगर हम कोई भी vector लेकर चलते हैं, suppose V1 और V2 कोई भी दो वेक्टर हैं, बिलोंग्स टू वेक्टर, और α1 α2 कोई भी दो स्केलर्स हैं, तो जो स्केलर्स हैं वो फील्ड में से बिलोंग करते होते हैं. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें α1 V1 प्लस α2 V2 तो ये भी वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करते होना चाहिए. इस चीज को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन. तो अब देखो यहाँ पे हमारे को प्रूफ क्या करना है, हमारे को प्रूफ करना है कि राइट द वेक्टर v इज इक्वल टू 3 to 1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर. अब ये एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर, इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमें प्रूफ करना है. देखो जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं. तो ये अब यहाँ पे अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास क्योंकि एक वेक्टर, मुझे ये वाला वेक्टर शो करना है इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन. तो मैंने कैसे लिख लिया, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3, क्योंकि जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आए वो भी कोई ना कोई वेक्टर होना चाहिए ना. तो वो वेक्टर मुझे दिया हुआ ये है, और किनका कॉम्बिनेशन, 1 2 3 का. तो मैंने इसको लिख लिया, v की जगह पे मैंने 3 2 1 लिखा, इज इक्वल टू α1 पहले फर्स्ट वेक्टर, 2 -1 0 प्लस α2 फिर सेकंड वेक्टर 1 2 1 फिर प्लस α3 फिर थर्ड वेक्टर हो गया 0 2 -1, ये मैंने लिख लिया. अब देखो जब हमने वैल्यू निकालनी है तो हमें बताना है कि ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि हम v को लिख सके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ तीन वेक्टर्स v1 v2 v3. तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने यहां से पहले फर्स्ट एंट्री वाली सारी वैल्यूज को इक्वेट किया, जैसे 3 इज इक्वल टू 2 α1 प्लस α2 प्लस 0 α3. यहां से लिया 3, यहां से ये 2 α1, यहां से मेरे पास हो गया α2 और यहां से हो गया 0 α3. इसी तरीके से अब मैंने यहां से लिया ये 2, ये मिडल टर्म, और यहां पे हो गया -α1 प्लस 2 α2 प्लस 2 α3. फिर अपने पास हो गया ये लास्ट 1 इज इक्वल टू, देखो अब यहां पे 0 α1, 0 α1 मुझे लिखने की जरूरत नहीं. फिर यहां पे कितना हो गया, α2 -α3. अब इन तीन इक्वेशंस को हमने सोल्व कर लिया, इन तीन को सोल्व करके हमारे पास α1 α2 और α3 की वैल्यू आ गई. इनको सोल्व करना तुम्हें आता है? अब यहां से अपने पास α1 की वैल्यू आ गई 8/9, α2 की वैल्यू आ गई 11/9 एंड α3 इज इक्वल टू 2/9. अब इधर से फिर हमने अब यहाँ पे क्या लिखा, सो वी वैक्टर किसके इक्वल हो गया, ये वी वैक्टर α1 की जगह पे α2 और α3 की वैल्यू हमने पुट कर दी. तो हमने क्या शो करा कि यानी कि एक वेक्टर v लीनियर कॉम्बिनेशन है तीन वेक्टर्स का, v1 v2 एंड v3. तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था. नाउ वी हैव टू शो दैट दिस वेक्टर v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3. तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरीके से हमने v को क्या लिखा, v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3. वहां से हमने वैल्यूज इक्वेट करी तो ये अपने पास कितना आ गया, देखो यहां से आया α1 प्लस 2 α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 2. ऐसे ही हमने तीनों इक्वेशंस लिख ली, देखो पहली दूसरी और तीसरी, इन तीनों को सोल्व कर लिया. सोल्व करोगे तुम तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन कुछ इस तरीके की आ गई कि α2 - α3 एक बार तो इज इक्वल टू 1/2 आ गया, एक बार 1/5, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/5 विच इज नॉट पॉसिबल.
तो यहां से हमारे पास देखो अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू नहीं निकल पाएंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, यानी कि ये वेक्टर इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अब एक चीज और समझो, देखो जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया तो हमने बताया कि एक वेक्टर किस तरीके से तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, तीन तो इसी तरीके से तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, चार का स्पेस हो सकता है, पांच का स्पेस हो सकता है। तो इसी तरीके से फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि देखो तीन वेक्टर्स थे यहाँ पे, ये वाले एक वेक्टर था, तो ये इन तीन का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो फिर एक हम अब करेंगे लीनियर स्पैन। देखो जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है उसी को हम लीनियर स्पैन भी बोलते हैं और लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। तो इस बार हमारे को यहाँ पे क्या बताना है, देखो कि एक वेक्टर है वो लीनियर स्पेस इन तीन वेक्टर, एस का मतलब है ये एस स्पेस के लिए शो कर दिया है, ये वेक्टर स्पेस ही। तो ये अपने पास लीनियर स्पेस कहो, लीनियर स्पैन कहो, लीनियर कॉम्बिनेशन कहो, वन एंड द सेम थिंग। तो हमें इन तीन वेक्टर्स का लीनियर स्पेस बताना है। लीनियर स्पेस बिल्कुल सेम, हमने क्या लिखा, वी इज इक्वल टू एल्फा वन वी वन प्लस एल्फा टू वी टू प्लस एल्फा थ्री वी थ्री। यहां से क्या हो गया, देखो एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस फोर एल्फा थ्री इज इक्वल टू वन। सिमिलरली देखो टू एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस फाइव एल्फा थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री। थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों को सोल्व करो, तो एक बार तो हमारे पास आ गया एल्फा वन प्लस एल्फा थ्री इज इक्वल टू थ्री, दूसरा आ गया एल्फा वन प्लस एल्फा थ्री इज इक्वल टू टू बाय थ्री। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अपने पास अब यहाँ क्या चीज आई, यहां से हमने क्या कंक्लूड करा कि यानी कि ये वेक्टर इन तीन वेक्टर्स का लीनियर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था। नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एन वेक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय एन वेक्टर? दिस इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर्स। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो उसमें हम कोई भी दो नंबर लिखते हैं एक्स वाई, और फिर हम सॉलिड ज्योमेट्री करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं एक्स वाई जेड। तो इसी तरीके से ऑर्डर्ड सेट में एन एलिमेंट के साथ हम लिखेंगे एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन। फिर अपने पास अब ये डेफिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट की। अब जो ये लीनियरली डिपेंडेंट है ये कैसे होता है, ये है कि अ सेट ऑफ वेक्टर्स वी वन वी टू अप टू सो ऑन वी एन, हमने एन वेक्टर्स का सेट ले लिया, ये एन वेक्टर्स का सेट या तो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे वो लीनियरली डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, हम दोनों ही केसेस में लेंगे देयर एग्जिस्ट एल्फा वन एल्फा टू अप टू एल्फा एन बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट एल्फा वन वी वन प्लस एल्फा टू वी टू प्लस सो ऑन एल्फा एन वी एन इज इक्वल टू जीरो। अगर लीनियरली डिपेंडेंट कहना है तो उस केस में जो ये सारे के सारे स्केलर्स हैं ये सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, मतलब कि कम से कम एक अल्फा वन या अल्फा आई कोई भी एक कम से कम नॉन जीरो जरूर होगा। इन सब अल्फाज में से कम एक अल्फा आई नॉन जीरो होगा तो हम उसे कहेंगे कि वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर यही कंडीशन में हम कह दें कि अल्फा वन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन ये सारी की सारी वैल्यूज जीरो के बराबर आ जाती हैं, तो हम उस केस में कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। अब इसके बाद अपने पास आ जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे जो अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस फोर अल्फा एन वी एन है, इसको अगर हम कहें कि ये किसी एक वेक्टर के किसी एक और वेक्टर
करके इक्वल आया है और वो वेक्टर भी वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करता है, तो वो ये वेक्टर उन बाकी बचे हुए वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अब फिर अपने पास एक आर्टिकल है। अब आर्टिकल में हमारे को क्या शो करना है कि इफ अ सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें शो करना है कि कम से कम एटलीस्ट वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर। तो देखो अब अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट शो करना है दिया हुआ है, तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा आई माइनस वन वी आई माइनस वन प्लस अल्फा आई वी आई प्लस अल्फा आई प्लस वन वी आई प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन वी एन इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या लिया, यही वाला जो कॉम्बिनेशन था इसमें कोई बीच का एक एलिमेंट मैंने इस तरीके से एक्सटेंड करके लिख दिया कि वो कोई अल्फा आई, क्योंकि मुझे क्या पता कौन सा एलिमेंट नॉन जीरो है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि से अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए मैंने अल्फा आई से पहले वाला भी और अल्फा आई के बाद वाला भी एक एक नंबर भी लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फा आई जीरो नहीं है, इसलिए मैं लिख सकती हूँ माइनस अल्फा आई वी आई इज इक्वल टू अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस सो ऑन प्लस अल्फा आई माइनस वन वी आई माइनस वन प्लस अल्फा आई प्लस वन वी आई प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन वी एन। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जीरो नहीं है अल्फा आई, तो माइनस अल्फा आई भी जीरो नहीं है, तो इसलिए मैं इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर सकती हूँ। इससे मेरे पास क्या हो गया, वी वन प्लस अल्फा टू ओवर अल्फा आई नेगेटिव वी टू प्लस सो ऑन प्लस अल्फा आई माइनस वन ओवर माइनस अल्फा आई वी आई माइनस वन प्लस अल्फा आई प्लस वन ओवर माइनस अल्फा आई वी आई प्लस वन प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन ओवर अल्फा आई माइनस वी एन। इससे अब मेरे पास यहाँ क्या रिजल्ट हो गया कि अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर इन इस कॉम्बिनेशन में से कोई एक वेक्टर बाकियों का, देखो अब इस वाले कॉम्बिनेशन में आई माइनस वन भी है आई प्लस वन भी है पर वी आई नहीं है, तो वो वाले वेक्टर के करस्पोंड हमने उसका बाकी वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन शो कर दिया। तो अपने पास अब यहां से क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेक्टर और मोर। अगेन वी हैव टू शो दैट इफ ईटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी एन, मीन्स ईटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एन वेक्टर्स, then I have to show that eta v1 v2 vn is linearly dependent। तो देखो मुझे क्या कहा है, eta is linear combination of these vectors, linear combination के लिए मैं क्या लिखूंगी, eta is equal to alpha 1 v1 alpha 2 v2 plus so on alpha n vn, मैं इसी तरीके से लिखूंगी क्योंकि ये linear combination दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके साथ 1 use हुआ हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन वी एन माइनस ईटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू इक्वल टू अल्फा एन क्या है मुझे नहीं पता, मान लो ये सारी की सारी वैल्यूज जीरो है पर 100% ईटा के साथ जो स्केलर लगा है माइनस वन वो मुझे हर हाल में पता है कि वो जीरो नहीं है। दिस मे बी इफ ऑल द अल्फाज आर इक्वल टू जीरो बट दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का पर्पज क्या है कि हमने कहा था कि अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमने क्या शो किया कि ईटा लीनियर कॉम्बिनेशन था एन वेक्टर्स का, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लीनियरली
डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमारे को ये शो करना है कि सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब मैंने एक सेट मान लिया, सेट मैं कंसीडर कर लेती हूँ v1 v2 अप टू vm तक का मान लेती हूँ, और इसका सुपर सेट मान लेती हूँ v1 v2 vm अप टू सो ऑन से vn तक का। ठीक है, ये मैंने एक इसका सुपर सेट मान लिया। अब देखो मेरे पास क्या कंडीशन है, मेरे पास है अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन अल्फा m vm इज इक्वल टू 0 वेयर एट लीस्ट 1 अल्फा i इज नॉट इक्वल टू 0। मेरे पास इसमें कोई ना कोई एक अल्फा i इसके बीच का जरूर है जो कि नॉन जीरो है। अब देखो मैंने क्या लिखा, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन अल्फा i माइनस 1 vi माइनस 1 प्लस अल्फा i vi प्लस अल्फा i प्लस 1 vi प्लस 1 प्लस सो ऑन अल्फा m vm प्लस अल्फा m प्लस 1 vm प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n इज इक्वल टू 0। मान लो मैंने इसको एक्सटेंड करा 0 vm प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 0 vn इज इक्वल टू 0 करके, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस मान लो कि मेरे पास बाकी ये सारी वैल्यूज एज इट इज ही है, अल्फा m vm मैंने इस तरीके से एक्सटेंड किया कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा i माइनस 1 अल्फा i प्लस 1 vi प्लस 1 प्लस सो ऑन। देखो अब मेरे पास यहां से मैंने क्या, ये दो तरीके से किस तरीके से लिखा है, मैंने इस तरीके से m का सुपर पावर लिख ली, सुपर सेट लिखा, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया। अब मुझे नहीं पता ये वाली वैल्यूज जीरो है कि नहीं है। मान लो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जैसे 7 है, सपोज 7 प्लस मतलब कोई भी एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 7 है, तो मैंने x प्लस 0 इज इक्वल टू 7 प्लस 0 कर। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट है वो तो x के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। तो मान लो कि बाद में मैंने ये सारी वैल्यूज 0 0 0 के साथ ही एक्सटेंड करनी है, तब भी ये अल्फा आई जो इधर जीरो नॉन जीरो था तो वो अभी भी अल्फा आई इस सुपर सेट में भी नॉन जीरो है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाली वैल्यू जीरो है ये वाली वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कम से कम एक अल्फा आई इस सेट के अंदर अभी भी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कि अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो भी मेरे पास सुपर सेट है लीनियरली डिपेंडेंट सेट का, वो मेरे पास लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।